Hello everyone, in this video we will do introduction and features of Python language. Python programming language was developed by Guido van Rossum in February 1991. Python language ko ek Dutch programmer ne develop kiya tha. Okay, agar aap English mein pronunciation karenge to is aap bologe Guido van Rossum, right? Aur agar aapko Dutch mein isko pronounce karna hai to aap bologe Guido van Rossum, right? Okay, it was named after famous BBC comedy show, namely Monty Python's Flying Circus. तो जो यहाँ पे डच प्रोग्रामर है उसने इसका नाम एक शो से लिया था, एक कॉमेडी शो से लिया था जिसका नाम क्या है, Monty Python's Flying Circus, right? Features of Python language, easy to use. Python is very easy to use language. Okay, Python को use करना, उसकी commands को लिखना बहुत ही easy है. Python is compact and very easy to use object-oriented language. Python क्या है, एक object-oriented language है, right? Object-oriented language कौन सी होती है, जो किस पे work करती है, जो objects पे work करती है, right? और object क्या होते हैं, object is the combination of data and function. Fine, data एंड फंक्शन. तो यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर डेटा पे काम करता है. ओके, फंक्शन वर्क्स ऑन पर्टिकुलर डेटा. फाइन, तो पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लाइक सी प्लस प्लस लैंग्वेज विद वेरी सिंपल सिंटेक्स रूल, जिसके सिंटेक्स रूल बहुत ही सिंपल है. ओके, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज विथ फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड. पाइथन में बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है आपको, एंड सिंपलर सिंटेक्स, और सिंटेक्स भी इसका बहुत ही सिंपल होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लैंग्वेज, लाइक जो पहले थी लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस सी. ओके, तो इनके कंपेरेटिवली पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ कोड. जहाँ पे आप देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं, ये C++ का कोड है और ये पाइथन का कोड है. किस यहाँ पे दिया है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की स्वैपिंग करनी है, मतलब उनकी वैल्यूज़ को एक्सचेंज कराना है. ओके, अब यहाँ पे देखो, C++ में सबसे पहले आप डिफाइन करोगे वेरिएबल कौन से टाइप का, इंट का है, इंट ए इक्वल्स टू टू, ए में टू है, बी इक्वल्स टू थ्री. ओके, एंड हमने एक और वेरिएबल लिया है टेम्प. तो सबसे पहले टेम्प के अंदर हमने ए की वैल्यू को डाला, अब ए क्या हो गया, एम टी, एम टी हो गया ए. तो अब बी की वैल्यू को हमने ए में डाला, अब बी एम टी हो गया है, तो बी में अब टेम्प की वैल्यू को डाला. तो ए और बी के बीच में वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना पड़ा, राइट? अब यहाँ पे देखो, पाइथन का कोड कितना शॉर्ट है और कितना ईजी है. आपने दो वेरिएबल लिए ए एंड बी, ए को आपने इनिशलाइज किया टू, मतलब ए की वैल्यू क्या है, टू, और बी की वैल्यू है थ्री. ओके, आपने एक ही स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू दे दी है, इनिशलाइज कर दिया. फाइन, अब आपने सिंपली क्या किया, ए कोमा बी, ए में किसकी वैल्यू चली गई, बी की, ठीक है, और बी में किसकी वैल्यू चली गई, ए की, राइट? सिंपल, बहुत ही सिंपल कोड, स्वैपिंग हो गई दो नंबर की, ठीक है. तो देखो, यहाँ पे पाइथन का जो कोड है वो बहुत ही आपको शॉर्ट लिखना पड़ता है, बहुत ही फ्यूअर लाइन्स आपको लिखनी पड़ती है, बहुत ही सिंपल इसका सिंटैक्स होता है. अब यहाँ पे आपने ए एंड बी इक्वल्स टू टू एंड थ्री लिख दिया, आपने ये यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि इंटीजर है क्या है, अपने आप ही पता चल गया क्योंकि इसने कौन सी वैल्यू ली है, इंटीजर वैल्यू ली है. तो ये कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है. ओके, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. ओके, पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरप्रेटर का यूज करती है. फाइन, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये कंपाइलर का यूज नहीं करती है. पाइथन किसका यूज करती है, इंटरप्रेटर का यूज करती है. इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. ठीक है, आपने क्या किया, आपने कमांड्स लिखी. ओके, अब यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को ये क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा, और फर्स्ट लाइन कन्वर्ट होते के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगी है. फिर सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और एट द सेम टाइम वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी. मतलब अगर यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा फर्स्ट लाइन का, सेकेंड लाइन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा,
राइट और कोई भी मिस्टेक मिलती है तो एट द सेम टाइम आपको वहां पे एरर का मैसेज आ जाएगा। राइट, कंपाइल लैंग्वेज कौन सी होती है? पहले पूरा कंपाइलेशन होता है, पहले कंपाइलेशन मतलब पूरा सोर्स कोड पहले कन्वर्ट होगा, ओके, फिर बाद में आपके पास मिस्टेक्स आएंगी, आप मिस्टेक्स को क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे, हटाओगे, उसके बाद वो रन करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, साथ के साथ आपके प्रोग्राम को रन करता रहता है, साथ के साथ कन्वर्ट करता रहता है। इतना आपको पता है कि जो भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हो, ओके, उसको क्या होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रॉम योर लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज होता है। फाइन, तो लैंग्वेज प्रोसेसर आपके पास क्या होते हैं, आपके पास या तो इंटरप्रेटर होता है या आपके पास कंपाइलर होता है। तो पाइथन यहाँ पे इंटरप्रेटर का यूज कर रही है। इंटरप्रेटर का क्या फायदा है, ये लाइन टू लाइन कोड को कन्वर्ट भी करता जाएगा फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, और साथ के साथ वो एग्जीक्यूट भी होती रहेंगी। ओके, इट मेक्स पाइथन एन ईजी टू डीबग लैंग्वेज। इससे क्या होता है, ये बहुत ही ईजी टू डीबग लैंग्वेज हो गई है, मतलब आसानी से इसके अंदर मिस्टेक्स आप निकाल सकते हो। एंड दस सुटेबल फॉर बिगनर्स टू एडवांस यूजर्स, और इसलिए ये बिगनर्स के लिए भी बहुत सुटेबल लैंग्वेज है और एडवांस यूजर्स के लिए भी एक सुटेबल लैंग्वेज है। ओके, नाउ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। राइट, अब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि जो भी डिवाइस होते हैं, ओके, उनका हार्डवेयर डिफरेंट होता है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। मान लो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपका डिवाइस डिफरेंट है, आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो आपका डिवाइस डिफरेंट है, ओके, आपका हार्डवेयर डिफरेंट है। राइट, किसी में विंडोज है, किसी के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के अंदर लाइनक्स है, तो सबका सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट है। तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फाइन, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसे किसी भी डिवाइस में रन कर सकते हो, चाहे उसका हार्डवेयर कोई भी हो, चाहे उसका सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हो और उसके अंदर कोई भी मशीनरी यूज की जाती हो। फाइन, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड कैन रन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो पाइथन को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चला सकते हो, लाइक विंडोज पे आप इसको चला सकते हो, लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, ठीक है, एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दिस आल्सो मेक्स पाइथन अ पोर्टेबल लैंग्वेज। इससे क्या है, ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज बन गई है। पोर्टेबल मतलब जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हो। आपने अपने डिवाइस में पाइथन का कोई भी कोड लिखा और आप उस कोड को किसी दूसरे डिवाइस में जाके रन कर सकते हो वेरी इजिली। राइट, नाउ इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन क्या है, एक फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों, जब आपको क्या करना होता है, पाइथन के लिए आप कोई भी कॉस्ट पे नहीं करते हो, आप इंटरनेट से फ्रीली उसको इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। राइट, पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल अलोंग विद इट्स सोर्स कोड। आपको कंप्लीट सोर्स कोड दिया गया है पाइथन लैंग्वेज के साथ, आप उसको इंस्टॉल करके उसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उनका कंप्लीट यूज कर सकते हो। फाइन, कंप्लीटनेस, द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड मॉड्यूल्स टू परफॉर्म मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ओके, उसमें आपको क्या दिया गया है, उसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज दी गई हैं। राइट, और उन लाइब्रेरीज के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं। राइट, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल का यूज़ करना हो, किसी भी फंक्शन का यूज़ करना हो, आप सिंपली उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हो। राइट, जैसे मान लो मुझे ग्राफ्स बनाने हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, मुझे ग्राफ्स बनाने हैं, तो मैं पाइथन लाइब्रेरी में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइपलॉट मॉड्यूल का यूज कर सकती हूँ फॉर मेकिंग द ग्राफ्स। फाइन, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट लैंग्वेज। इसलिए पाइथन को एक कंप्लीट लैंग्वेज कहा जाता है, जो कंप्लीट फीचर्स प्रोवाइड करता है आपको अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.